22 नवंबर को मुलायम परिवार के फिर से एक होने के संकेत सामने आए। चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव की तरफ हाथ बढ़ाया। सभी गिले शिकवे भुलाकर वो सुलह करने को तैयार हैं और कहा कि यह जा रहा है कि 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। सियासत में कब क्या हो जाए, कौन दोस्त और कौन दुश्मन बन जाए, कहा नहीं जा सकता। सियासत रिश्तों को भी तोड़ देती है और अपने भी रूठ जाते हैं। यूपी की सियासत में अपना दबदबा रखने वाले यादव परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब विधानसभा चुनाव से एन पहले चाचा शिवपाल यादव अलग हो गए और नई पार्टी बनाकर भतीजे अखिलेश यादव के सामने ही ताल ठोक दी, लेकिन अब चाचा का दिल पिघल रहा है और भतीजे से मिलने के लिए मचल रहा है। चाचा शिवपाल का भतीजे पर प्यार उमड़ रहा है। अब चाचा सारे गिले शिकवे भुलाने को तैयार हैं और बिना शर्त भतीजे से गठबंधन करने को तैयार हैं। नेताजी का जन्मदिन आप एकता दिवस में मना रहे हैं, क्या पारिवारिक एकता भी बढ़ेगी उस दिन? तो बढ़ जाए तो अच्छी है, हैं? हम तो तैयार हैं, एकता बढ़ जाए। शिवपाल यादव ने एकता का राग अलापा है। 3 साल की दुश्मनी को वो भुलाने के लिए तैयार है। शिवपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि सपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़े तो सरकार बना लेंगे, और उन्होंने तो मुख्यमंत्री पद का मोह भी त्याग दिया और उन्हें अब भतीजे अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने से कोई गुरेज नहीं। देखिए, हमारा प्रयास है, अब भतीजे समझे, समझ लेना चाहिए। अगर समझ लेंगे तो सरकार बना लेंगे। मुख्यमंत्री हमें तो बनना नहीं, हमने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री तो भतीजे को बनना था, है? तो हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, इसलिए प्राथमिकता है। हमने बहुत लंबे समय तक नेताजी के साथ से लेकर के समाजवादी पार्टी में काम किया है, हमारी विचारधारा भी है समाजवादी। 22 नवंबर को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और शिवपाल यादव ने ऐलान किया कि वो इस दिन सफाई में एक बड़ा आयोजन कराएंगे। शिवपाल के इस बयान के बाद सूबे के सियासी गलियारे में यादव परिवार के एक होने की सुगबुगाहट फिर तेज हो गई। कहा जा रहा है कि 22 नवंबर को मुलायम के जन्मदिन के मौके पर चाचा और भतीजा एक साथ दिख सकते हैं। अब सबको 22 नवंबर का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, R90।